सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई रोड क्रॉस करनी है तो ये ब्लॉक बटन दबाना पड़ेगा। तो और पास तो बटन दबाते ही वॉकिंग साइन आ गया, वो बिना वॉकिंग। तो ये होता है, मतलब मोस्टली जो नए नए आते हैं पता नहीं, मतलब आपके ऐसे ही रोड क्रॉस कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको पहले बटन दबाना पड़ता है, फिर जब तक वॉकिंग साइन नहीं आएगा सिग्नल पर आप नहीं जा सकते। और टाइमर होता है अराउंड 20-25 सेकंड का, इस टाइम फ्रेम के अंदर आप रोड क्रॉस कर सकते हो। ये थोड़े छोटे मोटे रूल्स हैं जो यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप कर रहे हो बिना उसके और बाई चांस ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो वो ड्राइवर की गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये इंडिया, ये दिल्ली वाला हाल नहीं है यहाँ पर, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जस्ट फॉर एडवाइस, मेरे को भी पता चला था तो मैं अभी इस वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ। चलते हैं अंदर डालरामा में और आपको दिखाऊंगा कि कितना यहाँ पर इकोनॉमिकल है, चीप है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ यहाँ पर, लिटरली हाउस होल्ड से लेके कुछ भी, टिफिन बॉक्स, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सामान $4 या $5 का है। बॉटल्स हैं यहाँ पर, तो कमी नहीं है किसी चीज़ की, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सही है। एक पर आप $30 या $30 में आप पूरी अपने यहाँ पर अपना सामान ले सकते हैं, घर का मैट है यहाँ पर। मेरे को चाहिए अभी तो सबसे पहले लिक्विड सोप, कपड़े धोने वाला, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, और टॉयलेट पेपर। पहली चीज़ तो मिल गई है, एक काफ़ी है अभी, बाद में ले जाऊंगा। टॉयलेट पेपर, हो गया है। ट्रेस मिल जाएंगी आपको, बॉटल, ग्लव्स, आने वाले टाइम पे ग्लव्स लेके जाना है, और ये टी शर्ट है। हेलोवीन स्टार्ट हो चुका है, आप हेलोवीन वीक स्टार्ट हो चुका है, बॉटल्स, हेलोवीन का सामान सब है। आप सबसे मेन चीज़ ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब भी
ये तो चाहिए ही चाहिए मंचिंग के लिए, तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटल ले लेते हैं, यहाँ बेसिकली सारा स्टेशनरी तो है, देख सकते हो आप। मतलब मेरे को अभी तक 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए, तो मैं ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कितना भी सामान डॉलरामा से ही लेता हूँ, क्योंकि तो पहली बात चीज है और सब कुछ मिल जाता है ईजली। तो अभी सारी शॉपिंग हो चुकी है, जो भी सामान अभी ज़रूरी था मेन, तो वो मैंने ले लिया है। तो जितना भी सामान लिया वो अराउंड मेरे को $10 का पड़ा, उससे भी कम, जस्ट राउंड फिगर करके बता रहा हूँ आपको। ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत चीप है ये चीज़, और बजट में चीज़ें आ जाती हैं जो नेसेसरी आपकी हमारी डेली लाइफ में जो चाहिए होती हैं। तो यही था एक्सपीरियंस, तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ट्राई करें कि जितनी भी आप अपनी ग्रॉसरी वगैरह, ग्रॉसरी इन द सेंस आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मेनली हाउस होल्ड आइटम्स जो आपकी डेली यूज में वो यूज़ होंगी, तो डॉलर आप से ही करें, आपके पैसे भी बचेंगे और बजट भी आपका सही रहेगा और चीज़ें भी ज़्यादा मिल जाएंगी उसी प्राइस में जहाँ आपको जहाँ कम मिल जाएंगी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, अगर थोड़ी नई चीज़ पता चली हो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, टिल देन के लिए दिस इज गुरु प्रकाश सिंह, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर 17।